नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोनिका जियाल और थलीसेन में हैं हम इस वक्त। यही हमारा घर है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम पहुँचे हैं और जैसे कि आप सभी जानते हैं पहाड़ों में मेडिकल सुविधाओं की दिक्कत होती है। तो चलिए आज पूछ ही लेते हैं कि आखिर इतनी दिक्कतें क्यों हैं, डॉक्टर से पूछेंगे। साथ ही आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा है लेकिन खाली बिल्डिंग में ये तब्दील सा लगता है, क्योंकि ज़्यादातर असुविधाओं के कारण सबको बाहर ही जाना पड़ता है और दूर दूर लोगों को जाना पड़ता है, रेफ़र कर दिया जाता है क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट नहीं है। तो चलिए इस बारे में बात करेंगे। ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मेडिकल ऑफिसर से पूछते हैं, सर से पूछते हैं क्या क्या कमियां हॉस्पिटल में हैं। जिस तरह से यहाँ पर जब लोग आते हैं तो उन्हें काफ़ी असुविधाएं होती हैं, उसके बाद उन्हें पौड़ी या श्रीनगर उसके बाद दिल्ली तक जाना पड़ता है। तो सर क्या क्या कमियां यहाँ पर हैं? एक्चुअली मेरे को जो मेजर प्रॉब्लम लगती है वो एक तो एक्सरे मशीन है, अभी हमारी ख़राब हुई पड़ी है। अच्छा। बट लास्ट मंथ अभी नई आ चुकी है, अभी उसको इंस्टॉल होना बाकी है। और एक जो दूसरी मुझे मेजर प्रॉब्लम लगती है वो है अल्ट्रासाउंड, क्योंकि हमारी बहुत सी डिजीज ऐसी होती है कि हम उन्हें USG के थ्रू ही डायग्नोज कर पाते हैं। अच्छा। जी तो मेजर प्रॉब्लम यही है अभी यहाँ पे। अच्छा। तो ये तो काफ़ी टाइम से ये हॉस्पिटल बना हुआ है, तो इसके बारे में कैसे होता है कि कहाँ से ये मशीन्स कैसे मंगाई जाती है? एक्चुअली ये तो हमारे जो CMO ऑफिस है पौड़ी, हम उनको अपनी रिक्वायरमेंट भेजते हैं, तो फिर वो आगे डीजी हेल्थ भेजते हैं। तो ये प्रॉपर एक चैन के थ्रू ही होता है, तो वहाँ पे पहले अप्रूव होगी फिर हमारे पास आएगी। तो यही है। तो मतलब इतने सालों से आप भेज तो रहे होंगे यहाँ से? जी, वो हर महीने जाते हैं यहाँ। हर महीने जाती है, जो जो रिक्वायरमेंट्स होती है हर महीने CMO ऑफिस जाती है, लेकिन वहाँ से पता नहीं ये सामान आता क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल हो जाता है। इसके अलावा सर और कोई दिक्कत है? और दिक्कत तो ऐसा कुछ मुझे खास लगी नहीं, यहाँ पे पेशेंट भी अच्छे खासे आते हैं। इसके अलावा आप कहाँ से हैं बेसिकली? मैं बेसिकली रुड़की से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। जी इससे पहले मैं बेस हॉस्पिटल श्रीकोट में था, GR गायनेक डिपार्टमेंट में। फिर मेरा लास्ट मार्च में 28 मार्च को मैंने इंटरव्यू दिया था परमानेंट का, तो मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया था। फिर मैं 4 अप्रैल को मैंने ज्वाइन किया था पैठानी एज ए मेडिकल ऑफिसर। फिर मैंने वहाँ पे 3 महीने वर्क किया। फिर मैं 3 महीने वर्क करने के बाद मुझे यहाँ पे CSC थलीसेन में पोस्टेड किया गया है। लास्ट 2 मंथ से हूँ मैं यहाँ पे। तो पहाड़ों में जैसे कि डॉक्टर्स आना नहीं चाहते, तो क्या आपको भी ऐसी असुविधा महसूस होती है? एक्चुअली मुझे यहाँ पे बहुत ही माइनर मतलब प्रॉब्लम आई है, लेकिन मुझे मेजर प्रॉब्लम CSC पैठानी में आई थी, क्योंकि वहाँ पे कोई डॉक्टर का रेजिडेंस नहीं है। हाँ, और एक वहाँ पर प्रॉपर एमरजेंसीज के लिए जो हमारे पास रिक्वायर इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी नहीं थे। तो यहाँ पे फिर भी अच्छा है। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि आपको रहने की भी सुविधा है। अच्छा, इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं कि पहाड़ों में नहीं रुकना चाहते डॉक्टर्स? एक्चुअली अब यही सोचते हैं, जब इतनी पढ़ाई करते हैं तो एक अच्छा इन्वायरमेंट हो, घूमने फिरने की जगह हो और अच्छा रहने के लिए हो, अच्छा खाने के लिए हो, तो मुझे यही लगते हैं इशू। मैम से पूछ लेते हैं, 4 साल से यहाँ पर पोस्टेड हैं। मैम कोविड के लिए किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर, क्या टेस्ट के लिए क्या क्या मशीन्स तो ऐसे हमारे पास नहीं है, लेकिन हम लोग का क्या है, हम लोग सैंपल करा रहे हैं। सैम्पलिंग हो रही है हमारे लिए RT-PCR के लिए, सबसे पहली सैम्पलिंग उसको हम करा रहे हैं अपने हॉस्पिटल्स में भी एंड फील्ड्स में जाके भी करा रहे हैं। फील्ड में भी हम लोग जैसे गांव टू गांव जाके प्रधान से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं एंड पब्लिक जिनको कोई सिम्टम है और जो ओल्ड एज है, प्रेग्नेंट वुमेंस है, इन सब के हम रेगुलर करा रहे हैं RT-PCR के लिए, जिसके सैंपल हम पौड़ी भेजते हैं। अच्छा। एंड हमारे पास हॉस्पिटल में एज सच कोई पेशेंट आता है जो सिम्टोमेटिक है, उसके लिए हम रैपिड एंटीजन टेस्ट करा रहे हैं, जिसमें हमें साथ के साथ पता चल जा रहा है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो फिर हम उस हिसाब से उसके लिए स्टेप। कितनी पॉसिबिलिटी है इसका सही होने का, जो रैपिड टेस्ट है इसका कितना? इसकी पॉसिबिलिटीज तो ठीक है, एवरेज है, बट रैपिड टेस्ट कराने के बाद भी हम फिर भी उसका सैंपल RT-PCR के लिए भेज दे रहे हैं, ताकि हमें नहीं हो पाता, इन्फॉर्मेशन हो सके कि दैट रैपिड एंटीजन जो था उसका जो रिपोर्ट सही थी वो ठीक है कि नहीं है। अच्छा, और मैम इसके अलावा हॉस्पिटल में क्या क्या असुविधाएं आपको लगती है, क्योंकि जो पेशेंट्स है वो बाहर जाते हैं? सबसे पहले तो हम एक CSC लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। CSC लेवल पे हमारे पास स्पेशलिस्ट होते हैं, बट वो हमारे पास नहीं है। अच्छा। तो सबसे बड़ा मेन कारण यही है कि यहाँ से लोगों को हमें रेफर करना पड़ता है
फॉर अ स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास स्टाफ कम है, स्टाफ यानी कि हमारे पास नर्सिंग स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। इनफैक्ट हमारे पास सिर्फ एक ही नर्सिंग स्टाफ है, वो भी कोरोना की वजह से कॉन्ट्रेक्चुअल पे अभी आया है। अच्छा। उससे पहले हमारे पास 3 स्टाफ नर्स थी जो कि धीरे धीरे करके जिनका ट्रांसफ़र होता गया एंड नवम्बर दिसंबर तक उन लोगों का कम्प्लीट ट्रांसफ़र हो गया। तो यहाँ पे अप्रॉक्सली 6 मंथ तो हम लोग बिना स्टाफ नर्स के हम लोगों ने काम करा है। अच्छा मैम, यहाँ पर जितना हॉस्पिटल है और बहुत सारे गांव के लोग यहीं पे आते हैं, तो कितने स्टाफ नर्स की आपको यहाँ पर ज़रूरत होगी? मिनिमम 3। यस, मिनिमम 3 स्टाफ नर्स। डॉक्टर्स कितने हॉस्पिटल में? हम लोग अब टोटल 7। अच्छा, डॉक्टर्स कितने होने चाहिए? डेंटिस्ट और गायनी कोई है? लेकिन हॉस्पिटल में हर डिपार्टमेंट का कुछ कोई ना कोई होना चाहिए। यस यस, हम लोग अभी 7 डॉक्टर्स हैं जो कि सारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं, एमबीबीएस सारे एमबीबीएस हैं। हम लोगों को जो चाहिए स्पेशलिस्ट चाहिए, लाइक गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, क्योंकि एनेस्थेटिस्ट होगा तभी तो कोई ऑपरेशन होगा। तो ये तो एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है ये धीरे धीरे करके, बट इतना हो के लाइक ऑर्थोपेडिशियन, पीडियाट्रिशियन, ऑब्स गायनेकोलॉजिस्ट अगर होगा तो फिर भी यहाँ पे काम चलाया जा सकता है, ठीक है। हम सर्जरी ऑपरेट हम उसके लिए फिर, क्योंकि हम लोगों को नर्सिंग स्टाफ भी और ज़्यादा चाहिए होगा, तो वो नहीं कर पाएंगे एटलीस्ट। लेकिन ये होगा कि जो छोटे केसेस होते हैं, बेसिक चीज़ें हैं, उसके लिए भी आपको बाहर ही भेजना पड़ता है? नहीं, बेसिक तो हम लोग भी देख लेते हैं। लाइक हमें अगर कोई इंटरवेंशन चाहिए कि हम लोगों को कंसल्टेशन चाहिए स्पेशलिस्ट का, हम लोग तो ही उन्हें रेफर करते हैं, लेकिन बेसिक्स तो हम लोग भी देख लेते हैं। बेसिक्स चाहे हमें IPD करनी हो, OPD करनी हो, वो सब हम लोग करते हैं, डिलीवरी भी कराते हैं, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन सर्जरी हम लोग नहीं लगा सकते, उसके लिए हमें गायनेकोलॉजिस्ट चाहिए थी। तो लाइक ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन है लाइक प्रेगनेंसी में, तो उसके लिए हम लोगों को आगे भेजना पड़ेगा। तो गायनी का तो होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इतने टाइम सब आते ही रहते हैं, कोई ना कोई प्रेग्नेंट वुमेन, तो इसके लिए तो होना ही चाहिए कि एक गायनी यहाँ पर हो। और ऐसी हालत में ऐसी रोड्स हैं यहाँ पर, तो वहाँ तक पहुँचने में कितनी दिक्कतें हो सकती हैं? सबसे बड़ी बात है कि हम लोग बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। हम लोगों का जो सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही पड़ता है, वो भी यहाँ से लाइक 100 किलोमीटर्स है, जिसके लिए 3 आवर्स मिनिमम हमको करना पड़ता है। तो इमरजेंसी रेफर में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि नियरेस्ट हो या फिर हमारे हॉस्पिटल में ही हो। थोड़ी और इसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, हमारे पास सर्जन्स आ जाए, हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट आ जाए, ऑर्थोपेडिशियन आ जाए, तो फिर भी ये होगा जो हमारा रेफरल रेट है वो और कम किया जा सकता है। वैसे हम लोग कोशिश करते हैं कि जिनका बिल्कुल बहुत ही जिनका ज़रूरी हो केवल वही जाए, लेकिन जब हमसे भी कुछ नहीं हो पाएगा तो हमको आगे भेजना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को साथ में मैन पावर के साथ में हमें मशीनरी पावर भी चाहिए होती है, हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशंस चाहिए होती है जो हम लोग नहीं करा पाते, हमारे पास लिमिटेड टेस्ट होते हैं, तो हम उन लिमिटेड टेस्ट के बेसिस पर जितना हम लोगों से होता है उतना कवर कर पाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी असुविधाएं हैं मैम। यहाँ पर जैसे स्टाफ नर्स है, इनकी पोस्टिंग मतलब क्यों नहीं हो रही है, मतलब ज़्यादा लोग क्यों नहीं? हम लोगों ने डिमांड भेजी हुई है अपनी। अच्छा। हम लोग काफ़ी हमने पेपर वर्क भी काफ़ी किया हुआ है, बट आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न कि CMO ऑफिस से ही, वहाँ से ही, या फिर उससे आगे से भी कोई अभी तक नहीं आ पाए हैं। उनका अभी तक कहना ही है कि उन लोगों के पास खुद अवेलेबिलिटी नहीं है, इस वजह से वो हमारे पास नहीं भेज पा रहे हैं। इतने लोग मतलब नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं, कितनी पढ़ाई, कितने बच्चे निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो, इतने लोग तो हैं ऑलरेडी, लगाओ उन्हें। ये जवाब तो आपको वहीं से मिलेगा, क्योंकि हम लोगों की तरफ से तो पूरा पेपर वर्क हो चुका है। अच्छा। हम लोग अपनी पूरी डिमांड दे चुके हैं, क्योंकि वो हमको इनकन्वीनियंस तो हमको ही हो रहा है। हाँ जी। हम लोग तो चाहते हैं, आगे से ही प्रॉब्लम है, और जो सिस्टम है उससे भी सवाल है कि इतने बच्चे नर्सिंग कर रहे हैं या MBBS कर रहे हैं, तो ये सवाल तो उठना ही नहीं चाहिए कि अवेलेबिलिटी नहीं है। ओके मैम, इसके अलावा आप 4 साल यहाँ पर रही है, कैसा लगता है थलीसेन में? थलीसेन बहुत अच्छी जगह है। सबसे ज़्यादा जो मेरे को यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट में जैसे हम लोग रहते हैं, मैंने काफ़ी सारी CSCs PSCs देखी है, वो ये होता है कि बहुत ही डिस्टेंस होता है, लाइक मार्केट से बहुत दूर होता है। तो सबसे पहले अच्छी बात यह है कि एक सराउंडिंग्स मतलब CSC बीच में है, तो सब कुछ आसपास ही अवेलेबल हो जाता है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, सबसे बड़ी बात है अच्छे लगते हैं। अदरवाइज जो मुझे रहता है कि मेरे घर से बहुत दूर पड़ता है। तो अच्छा, आपका घर का है? आई एम फ्रॉम मेरठ। मेरठ, तो मेरठ से मैम और याद आती होगी ऑफकोर्स घर की। तो ट्रांसफर का आपने सोचा तो बहुत है, बट होना पॉसिबल नहीं है तो उसके लिए। एक और मेडिकल ऑफिसर से बात कर लेते हैं, बहुत ही छोटी उम्र क्या होगी आपकी? 24
24 कहाँ से पढ़ाई की आपने? वीरचंद सिंह गढ़वाली, श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज है। अच्छा, श्रीनगर से पढ़ा है। तो चलिए श्रीनगर के बारे में बता लीजिए, कैसे कैसे वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या थी वहाँ पे? बेसिकली थोड़ा कभी कभी हो जाता है कि स्पेशलिस्ट की कुछ कुछ कमी हो जाती थी। अच्छा। बट वैसे पढ़ाई अच्छी होती है वहाँ पे। और बहुत ही कम ऐसे सरकारी कॉलेज है ना, एक तो श्रीनगर में है, हल्द्वानी में, हल्द्वानी, और एक नया खुला है दून मेडिकल कॉलेज। अच्छा। कुछ टाइम पहले ही खुला है, अभी शायद एक और खुलेगा अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज। आप कहाँ से? मैं कोटद्वार से। तो कितना टाइम आपको यहाँ पे हो गया? अभी मुझे ऑलमोस्ट 1 month ही हुआ है बस यहाँ पे। अच्छा, अभी रिसेंट ज्वाइन किया आपने, पहला बार और यहीं किया है? हाँ। तो कैसा लग रहा है रिसेंट में? सही लग रहा है, मतलब शांति है, माहौल यहाँ पे सही शांत है, मतलब अच्छा है। अच्छा। लोग अच्छे हैं, मतलब वातावरण वगैरह सब सही है। बोर नहीं होती है आप यहाँ पे ऐसा कुछ? क्योंकि लोग इसलिए बोलते हैं ना, पहाड़ में नहीं आना चाहते, थोड़ा बोर हो जाते हैं। नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे? कुछ भी, मतलब जैसे बाहर सराउंडिंग अच्छी है, आप वॉक पे जा सकते हो, मार्केट वगैरह। अभी तो मैंने ज़्यादा कुछ घूमा नहीं है, पर थोड़ा बहुत ही फिर भी ठीक लगता है। कौन कौन से टेस्ट यहाँ पर होते हैं? लगभग सारे ही होते हैं हमारे यहाँ। ब्लड में कम से कम काफ़ी जांचें हो जाती हैं। अच्छा। जैसे खून की जांच में हीमोग्लोबिन हो जाता है, और मलेरिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, और HIV, हेपेटाइटिस BC। अच्छा। और VDRL, सिफिलिस की जांच होती है, और यूरिन की प्रेगनेंसी जांच हो जाती है, बाकी स्पूटम हो जाता है। अच्छा। तो एज ए लैब टेक्नीशियन कोई कमी लगती है आपको अपने वहाँ, या तो कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई मशीन की? मशीन तो है हमारे पास, एनालाइजर है, बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। अब यह है कि किट्स वो मंगानी पड़ती है टेस्ट के हिसाब से, वो हम मंगाते रहते हैं टाइम टू टाइम। अच्छा। जब ख़त्म हो जाती है तो दोबारा मंगा देते हैं। अच्छा। तो सारी मतलब है आपके पास टेस्ट? हाँ, काफ़ी सारी जांच है। नर्सिंग ऑफिसर भी हमारे साथ है, और पूरे हॉस्पिटल में एक ही स्टाफ नर्स है, इनसे पूछ लेते हैं सर क्या क्या दिक्कतें होती है आप अकेले यहाँ पर इतना हैंडल करने में। जी मैम, यहाँ पे वो ये कि 24 आवर ड्यूटी करनी पड़ती है, बिकॉज खाने के तक टाइम नहीं मिल पाता है। रात को कभी भी किसी वक्त आना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे एक स्टाफ नर्स की ज़रूरत है एक्स्ट्रा। जी, डॉक्टर साहब ने बोला कि 3 तो एटलीस्ट होने ही चाहिए, और आप अकेले हैं यहाँ पर। वही दिक्कत होती है मैम। और हॉस्पिटल में किस तरह की दिक्कतें? और दिक्कत है मैम, दिक्कत और कुछ नहीं है मैम, बस स्टाफ नर्स की ड्यूटी की दिक्कत होती है, बस 24 आवर ड्यूटी। 24 आवर आप कभी भी, मतलब ऐसा होता है कि ड्यूटी आपका 24 आवर ही लगा हुआ है कि? ऑन कॉल ड्यूटी पर। जी, कहाँ से हैं आप? मैं टिहरी गढ़वाल से हूँ। टिहरी गढ़वाल से हैं जी। और क्या कहते हैं, कितने समय से यहाँ पे है? मेरे को 6 महीने होने वाला है। 6 महीने हो रहे हैं जी। कैसा लगता है फिर यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है जी। और टिहरी की याद आती होगी आपको तो। नाम क्या है आपका? मेरा नाम नवदीप सिंह बिष्ट है। अच्छा, नवदीप सिंह बिष्ट इनका है। टिहरी से काफ़ी लोग हमें देखते हैं, आप मास्क हटा दीजिए ना, देख लेंगे वो आपको, पहचाना आपने अपने नवदीप जी को। अच्छा सर, तो एक ही स्टाफ नर्स है यहाँ पर, इतनी जैसे कि हमने बात की तो कह रहे थे कि अवेलेबिलिटी नहीं है ऊपर से, तो इतने बच्चों ने नर्सिंग कर ली है अभी, तो उनको ही यहाँ पर पोस्ट कर दें, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है अभी तो? मैम जो अभी कोविड चल रहा है, इसलिए कोई वैकेंसी भी नहीं आ पा रही है। अच्छा जी, ओके। तो आपने एग्जाम कैसे दिया था सरकारी के लिए? नहीं, अभी सरकारी नहीं, अभी कोविड में लगी हुई है। अच्छा, कोविड-19 में। अच्छा, कोविड के दौरान लगाया गया है, मतलब अगर कोविड नहीं होता तो यहाँ पे एक भी स्टाफ नर्स नहीं होती इस हिसाब से। देवेश्वरी आंटी हमारे साथ हैं, और बचपन से जब हम आते थे तो इनसे ही पर्ची कटवाते थे, पर्ची बनवाती हैं। आंटी जी, कितने साल हो गए आपको यहाँ? मुझे 21 साल हो गए। 21 साल से ये यहाँ पर सेवा दे रही हैं, आपका घर तो यहीं है? हाँ जी। तो हॉस्पिटल में क्या क्या दिक्कतें? दिक्कतें तो ये कुछ, आप तो सही है वैसे, पहले दिक्कतें। अच्छा, पहले कितने रुपए की पर्ची होती थी आंटी जब हम आते थे? 1-2 रुपए की थी तब मैं आई थी। और अब कितने रुपए की पर्ची होगी? ये 13 रुपए की। अब 13 रुपए की पर्ची हो गई है। इसके अलावा हॉस्पिटल में उस टाइम कैसा था और अब कितना अंतर आ गया? अंतर तो काफी आ गया। अच्छा, पहले अब तो हम यहाँ डिलीवरी में भी रहती हूँ। अच्छा, मतलब ये ड्रेसिंग वगैरह करते हैं, पर्ची बनाते हैं, यहाँ थोड़ा ही साफ सफाई वगैरह। अच्छा, टाइल्स वगैरह ना।
तो स्वीटी मेरे साथ है, इन्होंने भी जैसे कि स्वीटी आपने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है और यहाँ पर जैसे कि 3 नर्स की रिक्वायरमेंट है, एक ही नर्स है, तो एज अ नर्स आपको क्या क्या दिक्कतें होती हैं? जैसे कि यहाँ पे एक ही नर्स है और 7 डॉक्टर्स हैं, तो नर्स का क्या काम होता है कि डॉक्टर्स ऑर्डर फॉलो करने होते हैं, तो नर्सिंग स्टाफ एक ही है तो किसकी जी सुने। दूसरा है यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ की कोई रिस्पेक्ट भी नहीं होती है। तीसरा उनको कोई रिवॉर्ड भी नहीं मिलता है। अच्छा। रिवॉर्ड अगर छोटे बच्चे, ज्यादातर काम पूरा नर्स का ही होता है। हाँ, जैसे छोटे बच्चों को हम टॉफी दे देते हैं तो अगली बार वो आने का सोचता है, लेकिन नर्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं है और ना ही उनकी पेमेंट अच्छी है इसलिए। अच्छा, तो स्टाफ नर्स जो कि इतना काम करते हैं, खुद मेरी सिस्टर ने ये कोर्स किया था और उनकी भी यही शिकायत होती थी कि इतना वो काम करते हैं, दिन रात मरीजों के साथ रहते हैं और लास्ट में उनको ना रिस्पेक्ट दी जाती है ना इतना पेमेंट दी जाता है। तो ये भी बड़ा सवाल है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल, शायद वो भी नर्स थी, फर्स्ट नर्स थी, तो इतना बड़ा काम, इतना बड़ा नाम है और उन्हें ये ओहदा नहीं दिया जा रहा है, कितनी गलत बात है। तो इस चीज़ पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, वो भी इंसान है और एक नर्स यहाँ पर है, वो कितना काम करेगा, ये सोचने वाली बातें हो जाती है। कोविड के चलते भी लोग अभी हॉस्पिटल में कम आ रहे हैं, तो हॉस्पिटल लगभग खाली ही है। तो महिला मंगल दल की अध्यक्षा भी है मम्मी, और हर बार मम्मी बोलती हैं, प्रतिनिधि भी करती हैं महिलाओं का, तो पूछते हैं मम्मी से क्या क्या दिक्कतें आती हैं आपको हॉस्पिटल में। दिक्कतें तो बहुत हैं यहाँ पे, जैसे कि किसी को कोई बड़ी परेशानी होगी तो बाहर जाना पड़ता है, और प्रसव केस में जब केस आते हैं और एक दो दिन हो जाते हैं और परेशानी होती है महिला को, तो उनको भी डॉक्टर बोलते हैं इनको या तो पौड़ी रेफर करो या तो श्रीनगर को करो, यहाँ पे ऑपरेशन की नौबत आ रही है और यहाँ पे ये नहीं हो सकता, तो उनको भी बाहर जाना पड़ता है। यहाँ पे एक्सरे मशीन नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, बाकी तो डॉक्टरों की संख्या तो बड़ी है, पहले 2 और 3 डॉक्टर होते थे और अब 7 डॉक्टर हैं, और पहले से स्थिति काफ़ी सुधरी है लेकिन अभी भी बहुत कमियाँ हैं। महिलाओं के लिए क्या क्या दिक्कत है? महिलाओं के लिए तो ये समस्या है कि बोलते रहो कि अगर बड़ी बीमारी लगी तो बाहर डॉक्टर नहीं है, गायनेकी डॉक्टर चाहिए यहाँ पे, स्पेशलिस्ट होते हैं वो यहाँ पर नहीं है, तो अगर थोड़ा सा भी मुश्किल हो जाता है तो बाहर रेफर कर दिया जाता है। हाँ, तब फिर थोड़ी भी समस्या होती है तो बोलते या तो वहाँ जाओ श्रीनगर, या तो देहरादून जाओ, या तो दिल्ली जाओ, और कभी कोई अब गरीब लोग होते हैं नहीं जा पाते तो वो बेचारे तो लोगों की समस्या हो जाती है। अभी हमें टैक्सी भी बुक करनी है और वहाँ पे डॉक्टर अगर सरकारी में नहीं होता फिर प्राइवेट में करना पड़ेगा इलाज, और फिर उनकी उतनी सैलरी वो नहीं होती, रकम नहीं होती उनके पास, तो फिर वो घर में ही ऐसे ही परेशान रहते हैं, बीमार हो जाते हैं और उनका इलाज नहीं हो पाता सही से। तो देखा आपने किस तरह की असुविधाएं हैं हॉस्पिटल में, और 25 से 30 गांव का ये हॉस्पिटल है फिर भी किसके कुछ काम का नहीं है, क्योंकि बेसिक चीज़ें तो हो जाती है लेकिन जब ज़रूरत होती है, इमरजेंसी होती है, तो इतनी दूर जाना पड़ता है लोगों को, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है उस वक्त। तो जो भी इससे रिलेटेड ऑफिसर्स हैं, CMO ऑफिस जैसा कि उन्होंने बताया, वहाँ जो भी रिक्वायरमेंट्स भेजते हैं, सवाल ये उठता है कि आखिर वो रिक्वायरमेंट्स पूरी क्यों नहीं की जाती। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इतने साल बच्चे नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं, खुद थलीसन में ही इतने बच्चों ने पढ़ाई की है नर्सिंग की, तो क्यों उनको यहीं पर नहीं लाया जा रहा। अगर बच्चे यहीं से पढ़ के अगर अपने घर से ही हॉस्पिटल तक आते तो वो यहाँ रहना चाहेंगे, यानी कि लोकल जो है उन सबको बढ़ावा मिलना चाहिए, इस चीज़ पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आपको इस बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के दूसरे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को।